नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। उत्तर प्रदेश में तमाम कयासों और उम्मीदों के बीच में योगी सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया। कहने को तो ये सरकार का तीसरा बजट था, लेकिन खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश के इतिहास का पहला बजट करार दिया। और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब करीब 5 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बजट में हिंदुत्व के एजेंडे को खासी तरजीह दी गई। गाय की बात हो, काशी की बात हो, अयोध्या की बात हो, इस पर पूरा फोकस बजट में दिखाई दिया। जिसके साथ ही इस बजट में 21,221 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का ऐलान भी हुआ। लेकिन 2019 के रण से पहले केंद्र के बाद यूपी में घोषणाओं की सौगात सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि क्या ये चुनावी पासा तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से बजट में लोकलुभावन योजनाओं का ऐलान किया गया उससे तो संकेत साफ है आखिरकार ये चुनावी बजट है। खैर, योजनाएं तो जरूर हैं हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए, मगर क्या बन गई बात? आज तमाम सवाल और सवालों के जवाब भी पूछेंगे। क्या अब की बार बजट से बनेगी सरकार? अब की बार बजट से क्या बनेगी सरकार, ये सवाल खड़ा हो रहा है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जब बजट का ऐलान हुआ और बजट जनता के सामने आया, आपके सामने, हमारे सामने, तब सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार इस बजट के भीतर आखिरकार कौन सी बात है जो मन को छू गई। आकलन विपक्षियों ने अपने अंदाज से किया, और पहले बात विपक्ष की करेंगे। बात करेंगे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। पहले जरा उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, क्योंकि राजनीति यहीं से शुरू होती है। सुनिए जरा। नौजवान जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, बेरोजगारी कैसे खत्म हो उसके लिए भी कोई बजट में इंतजाम नहीं, ना धर्म को उसके लिए कुछ दिखाई दे रहा है। जैसा बजट दिखाई दे रहा है, जैसी जिसकी समझ वैसा उसका बजट। अखिलेश ने नारा दिया, जिसकी जैसी समझ वैसे उसका बजट। संकेत क्या था, संदेश क्या था, क्या हिंदुत्व? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि योगी सरकार ने अपने बजट में किस तरह से काशी, अयोध्या, वृंदावन के साथ साथ कई तीर्थ स्थलों के लिए विकास की करोड़ों योजनाओं का ऐलान किया। अयोध्या के पर्यटक स्थल की बात किया, विकास का दावा वहां किया जा रहा है, 101 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। काशी विश्वनाथ की बात की जा रही है, कॉरिडोर की, जहां पर 207 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ब्रिज तीर्थ की बात की जा रही है, जहां पर 125 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे, देखिए जरा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 1,09,00,000 LPG कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेकाधीन कोष से गंभीर बीमारियों, कैंसर, हृदय रोग के उपचार, किडनी प्रत्यारोपण तथा अग्निकांड एवं दुर्घटना आदि से प्रभावित प्रदेश के 8,70,00,000 रुपए का भुगतान उनके खातों में सीधे सीधे किया गया। गन्ना किसानों को सुविधाएं, मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमारी सरकार द्वारा कारोबार ग्रहण करने के उपरांत अब तक 35 लाख गन्ना किसानों को लगभग 52,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। ये अब तक का रिकॉर्ड भुगतान है। पेराई सत्र 17-18 में खरीदे गए गन्ने की मात्रा के आधार पर 4.5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 430 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता चीनी मिलों को भी प्रदान की गई। वृद्धावस्था तथा किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 2,579 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु सभी वर्गों के लिए मुख्यमंत्री सहयोग योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की। तो सवाल कहिए और उन सवालों के जवाब हम पूछेंगे। सीधा रुख करते अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज यादव, समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे फेवरेट हैं।
एमपी तिवारी साहब जुड़े हुए हैं आर्थिक विशेषक, उनसे भी जानेंगे हम। नोएडा से हमारे साथ अनुरोध सिंह जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं, ऋषि मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुरोध सिंह जी, सब कुछ है बजट में, अयोध्या भी है, काशी भी है, वृंदावन भी है, ये सनातनी बजट है या चुनावी बजट है? नहीं, सबका साथ सबका विकास है इस बजट में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटिबद्ध रही है अंत्योदय को लेके, कि हमारी समाज में सबसे पिछली पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हो उसका विकास जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग अपना सार्थक प्रयास करते रहेंगे। और इस बजट में सबको दिया गया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, सबको दिया गया है। ऐसा नहीं किसी को छोड़ा गया है उस बजट में, ऐसा पहली बार हुआ है। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बाकी लोगों को और हम अच्छे तरीके से और ज्यादा से ज्यादा बजट कितना कर सकें, ये चीजें की गई। पिछली सरकारों की तुलना बहुत अच्छा हम लोगों ने किया इसमें। सर मैंने सवाल किया, ये सनातनी बजट है या फिर चुनावी बजट है, इसका जवाब नहीं दिया। नहीं नहीं, सीधा अगर हम कहीं पे वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस पे, चाहे अयोध्या, काशी, मथुरा, जो भी धार्मिक जगह पे अगर उनको विकास करना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? सर तीर्थाटन अलग है, पर्यटन अलग है, दोनों में अंतर होता है, मैंने इसलिए आपसे ये बात की। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर तीर्थ जो है वो भी एक पर्यटन का बहुत अच्छा, वहाँ लोग जा सकते हैं। पर्यटन अलग है सर, तीर्थाटन अलग है। नहीं क्यों नहीं, अगर हिंदुओं के लिए है तो वहाँ बजट देने में दिक्कत क्या? सर केदारनाथ को आप क्या पर्यटक क्षेत्र मानते हैं क्या? नहीं, केदारनाथ पर्यटन है, दोनों चीजों का विचार करना होगा तिलक जी, दोनों चीजों पर विचार करना होगा। मान लिया कोई तीर्थयात्री जाता है, अयोध्या जाता है, वहां उसको रहने के लिए, वहां घूमने के लिए सड़कें जो है, मंदिर पर दर्शन करने के लिए, अगर वो चीजें सही नहीं, अगर वहां पे एयरपोर्ट बनाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? दो चीजें होती हैं, एक तो क्षेत्र का विकास होता है, दूसरा वहां लोगों को रोजगार मिलते हैं, तीसरा एक हम एक अच्छा कैसा प्रतिबिंब आगे सामने रख सकते हैं कि हम कितना अच्छा विकास कर रहे हैं। अगर मान लिया अक्षरधाम बना है यहाँ पे, तो उसमें लोगों को क्या दिक्कत है? नोएडा के अंदर अक्षरधाम बना है तो उसमें इतना अच्छा बना है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं, चंद्रमोहन जी भी जाते होंगे, सब वहां दर्शन करने जाते हैं। ऐसा नहीं हो रहा, आप लोग नहीं चाहते कि अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, ब्रज में ऐसा ना हो? सर आपने कहा सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल, ये 40 पन्नों का जत्था मेरे हाथ में है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? सर मदरसों के लिए ऑलरेडी वहां पे दिया गया कि ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सर मैंने कहा अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का कहा, एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर हो, स्मार्ट क्लास के लिए मना कर रहा है, स्मार्ट क्लास के लिए, स्मार्ट क्लास के लिए आप बताइए ना, स्मार्ट क्लास के लिए ऑलरेडी बजट दिया गया है, मना कर रहा है। मेरा काउंटर क्वेश्चन है जी, आप ऋषि जी आप अपनी बात रखिए, फिर मनोज यादव आपके पास आ रहा हूँ। बीजेपी के मित्र से पूछना चाहता हूँ, सर आपको मालूम है एजुकेशन का क्या हाल है यूपी में? 4 लाख पद खाली हैं इस बजट में, आप तो बताइए क्या वो 2 साल के अंदर ही खाली हुए? सर सर बजट में रूपरेखा बताएंगे ना आप? नहीं, 2 साल के अंदर ही खाली हुए हैं की बात कर रहा हूँ मैं, दो मिनट में टाइम मैं बता दूं। देखिए चावला जी, एजुकेशन का ये हाल है कि सिर्फ यूपी में 4 लाख जो टीचर का पद खाली है, ये एजुकेशन का हाल है। एक सर्वे में ये आया है कि यूपी के पांचवी क्लास के बच्चे का जब रिपोर्ट लिया गया तो पांचवी क्लास के बच्चे जो है 2 लाइन सही से पढ़ नहीं पा रहे थे, और 2+2 जोड़ जो है एडिशन होता है वो नहीं बता पा रहे थे। तो आप यूपी में करके यूपी के बच्चों को आप ये सोच रहे कि उनका मानसिक स्तर बहुत लो है, ऐसा नहीं है? मैं भी यूपी के प्राइमरी पाठशाला से पढ़ के आया हूं, आप बेसिक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप बेसिक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप वहां बच्चों को डिमोरलाइज कर रहे हैं। दूसरा नॉट ए बेसिक क्वेश्चन, अरे सर्वे है आपकी सरकारी, आपकी सर्वे कौन सी सर्वे है? सरकारी रिपोर्ट, ऐसा कोई सर्वे नहीं होता है। ऐसा क्या सर्वे होता है कि बच्चों के बजट पे आते हैं? सर सरकार पार्टी की बात अलग है, बच्चों का मनोबल नहीं गिर रहा उस सवाल से उसका, बल्कि पार्टी ना आप इस बात को समझिए सर, टेक्निकली रूप से नहीं बात करना चाह रहे हैं, जिस राज्य में 4 लाख टीचर के पद खाली हो, वो 2 साल में खाली हुए, आप ये बताएं 2 साल में खाली हुए? सर अनुरोध जी, इसके लिए पिछले सरकार आप ही जिम्मेवार हैं, 2 साल में सर आपने कितनी भर्ती की वो ये पूछ रहे हैं ना, सीधा सवाल था उनका। आप ले जा रहे बच्चों का मनोबल, बच्चों का मनोबल तभी बढ़ेगा सर जब सही शिक्षा मिलेगी, बिल्कुल। इसका मतलब एक कि मैं वहीं से पढ़ के प्राइमरी से आया तो मेरा सर क्या बात सर आप पूछ लेंगे सर, यहाँ पर बैठे हुए सब। चावला जी अभी आप राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़े होंगे, तो राष्ट्रपति अभिभाषण में सबसे जोर उस दिन हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी थे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जोर दिया। देखिए ठीक है, ये सारी सरकारों का विषय है, आप जो विषय ठीक है मैं आपका पॉइंट दे रहा हूँ, सरकार पे नहीं कर रहे, ये बात देखो बिल्कुल सही बात है, ये सारी सरकारों का विषय है। आज के बजट में आप सरकारी सरकारों का विषय है, प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन के लिए बजट एलोकेट किया गया है। सर एक देखिए, आप देखिए अनुरोध सिंह
एक पन्ना बताइए मेरे को, अल्पसंख्यक वाला नहीं मिल रहा है, मैं कहां ढूंढूं सर? देखिए अल्पसंख्यक के लिए मदरसों के लिए ऑलरेडी स्मार्ट क्लास के लिए दिया गया है, मदरसों में नियुक्ति के लिए कहा गया है, ये पहले से भी प्रावधान किया गया मदरसों के अंदर। हालत ये ऋषि जी पता नहीं कि उसमें बीइंग ए पत्रकार हैं या बीइंग ए प्रवक्ता, एक मिनट सुन लीजिए, आप आपके साथ दिक्कत ये है सर, जो जो पत्रकार सवाल उठाए उसे आप सर्टिफिकेट दे देते हैं। नहीं सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, एक मिनट मनोज यादव सर्टिफिकेट मत बांटिए सर, और ऋषि जी खुलकर सवाल पूछिए। देखिए ये मेरा डिबेट का प्रोग्राम है और मैं अपने हिसाब से इसको चलाऊंगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो सवाल का जवाब है वो आपको देना पड़ेगा, और पत्रकारों को सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप खुल के सवाल पूछिए ऋषि जी। मनोज यादव एक सेकंड सर, आ रहा हूं आपके पास। मनोज यादव जी, अखिलेश यादव कहते हैं जिसकी जैसी समझ उसका वैसा बजट, इनकी समझ क्या जरा हमें समझाइए सर, समझ समझ के। निश्चित तौर पे जैसा कि अभी अभी जो लास्ट बिंदु आपने उठाया है कि अल्पसंख्यकों के लिए, इसको मैं उदाहरण बनाए दे रहा हूं, इनका कोई एक पैसे का उसमें नहीं है प्रावधान, तो आप सोचिए तीन तलाक पे इतना बड़ा दिल करके बिल लाने वाले और मुस्लिम बहनों और माताओं के बारे में चिंता करने वाले राज्यसभा क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं अगर आपके पास 2-4 सांसद हैं? जिस तरीके से तो कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो वो खत्म कर देंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? ओपन बोल, मुझे नहीं लगता है कि इनको मेरी बात सुननी है, बोलिए। मुझे नहीं लगता कि आज बजट पे इनको एक सार्थक चर्चा करनी है, बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं नहीं, अगर बोलने दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरे भैया बजट पे काम तो तीन तलाक, मैं यही बात कह रहा हूँ, उन मुस्लिम बहनों के बारे में सोच के कम से कम किसी भी तरीके से ले आते, उन्हीं के नाम पे पैसा दे देते, उन जैसे शमशान के लिए लाए वैसे कब्रिस्तान के लिए भी बजट ले आते, कौन मना कर रहा था भैया? ओके, लेकिन आपको सिर्फ नारा दिखाना है। अच्छा अच्छा, सिर्फ अल्पसंख्यक तक की बात नहीं है ना, तो ये पिछड़ों के लिए कुछ कर रहे हैं ना, इस प्रदेश के दलितों के लिए कुछ कर रहे हैं किसी भी तरीके का। आपको बताओ अंत्योदय की बात करने वाले किस तरीके से, अंत्योदय की बात से इन्होंने अपनी बात शुरू की बीजेपी के लोगों ने, क्या 5 रुपए में भरपेट खाना देने वाली स्कीम के लिए कोई बजट लेके आए? आम जनमानस को आप सिलेंडर देने की बात करते हैं, उनको अनाज बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, वहाँ खाने के लिए त्राईमाम हो जाता है, वहाँ के लिए आपने क्या व्यवस्था की? बुंदेलखंड के लिए आपने क्या किए, कौन से तीर मार दिए बुंदेलखंड के लिए? मनोज जी आपकी गवर्नमेंट थी 5 साल, आपकी गवर्नमेंट थी, आपने 5 साल क्या किया था? मनोज यादव एक पन्ना बजट का मेरे पास है, उसमें बुंदेलखंड का आपने जिक्र किया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। मनोज यादव है पागल, इनको मेरी भाषा में जवाब सुनने की आदत है। एक सेकंड, ये हमारी बात 5 साल में क्या किया वाली बात, पागल, और ये क्या बात है सर? सर सर, डिबेट मनोज यादव आपसे बुलाते हैं डिबेट में, प्लीज भाषा का स्तर मत गिराइए मनोज यादव, मनोज यादव प्लीज प्लीज। आपको विपक्ष को सुनने का मजा नहीं रखते मनोज यादव, प्लीज तर्क से बात रखते हैं, क्या किसानों के लिए क्या मेंटेन रखा है ना, इस तरीके से डिबेट करना मुझे मनोज यादव, मनोज यादव प्लीज, मनोज यादव प्लीज, उनकी फसल मनोज यादव प्लीज, क्यों पागल पन ये क्या करते हो मनोज यादव प्लीज, जानवरों के लिए क्या किया मनोज यादव? नहीं नहीं, अगर ऐसे सब पे माफी मांगने डिबेट में नहीं कर पाऊंगा ना, हमारे यहां कोई आएगा डिबेट करने प्लीज एक सेकंड, क्योंकि मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं, मैं यहां पे वो नहीं आया हूं। अनुज सिंह प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड, क्यों आपको मिर्ची लग गई थी? मनोज यादव प्लीज, ऐसे भाषा क्यों आप कर रहे हो ना? मनोज यादव प्लीज, मैं पहले ही बोल रहा हूं प्लीज, शब्दों का चांस सर, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मनोज यादव मेरे को लगता है कि आपको भी कई लोग फॉलो करते हैं, कम से कम एक भाषा का स्तर मेंटेन करके रखिए सर, यहां सर्कस थोड़ी ना हो रही है प्लीज। मैं बुंदेलखंड पे आ रहा हूं, बुंदेलखंड का जिक्र आपने किया और इसी बुंदेलखंड की मैं बात कर रहा हूं, विशेष योजनाओं के लिए 2019-20 के लिए 810 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। मनोज यादव अब आपकी बारी, और प्लीज भाषा का स्तर जो है मत गिराइएगा प्लीज। क्या करेंगे 810 करोड़ में, आपका क्या था 10 करोड़ में बताए ना, आपका कितना था? गरीब लोगों के लिए, क्या बुंदेलखंड के लिए, अन्ना प्रथा बुंदेलखंड के लिए आपने भी तो आंसू बहाए, फसलें खराब करे दे रहे मनोज यादव, क्या व्यवस्था की है आप? आप फैक्ट्स पर बात करिए। अरे हमने तो बुंदेलखंड के लिए जो करना था वो किया तिलक जी। क्या किया सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, और फिर इसकी हालत क्यों आज तक बुंदेलखंड की? फैक्ट में बात करो तो ये हमें तुरंत कहानी बताने लगते हैं
क्या बुंदेलखंड के किसानों के लिए जिस तरीके से अन्न प्रथा वहां पे फसलें बर्बाद हो रही हैं, क्या करेंगे? गौशाला के लिए तो 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, 4200 रुपए भी एक गौशाला में नहीं आ रहा है, 4200 में कितनी गायों को ये दे देंगे खाना? कोई व्यवस्था ऐसी करेंगे जिससे इस प्रदेश का किसान बच सके, उसकी फसल बच सके? जो जानवर है, जो बुंदेलखंड का विकास नहीं हो पाया पूरे प्रदेश में, बजट में मैंने आपको बताया, आपने कहा बुंदेलखंड का जिक्र नहीं है, मैंने आपके सामने पढ़ा कि 810 करोड़ रुपए का बजट जिक्र है। हमने कुछ नहीं किया, ये क्या करेंगे ये बताएं सर? आपने क्यों नहीं किया? करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। मनोज यादव क्यों नहीं किया? बीत चुका है, तीसरा बजट आ गया है सरकार का। मनोज यादव क्यों नहीं किया बुंदेलखंड के लिए, वही तो जानना चाह रहा हूँ। अखिलेश यादव ने सफाई के लिए किया, सफाई के लिए किया, बुंदेलखंड के लिए क्यों नहीं किया? कह रहा हूँ क्या हमारी सरकार ने खाली ट्रेन पानी की भिजवाई थी क्या? क्या नहीं किया आप उठा के देखिए ना, पूर्व की सरकार के कितने काम बुंदेलखंड में हुए हैं, लोगों को अनाज देने की। 810 करोड़ कम है, किस तरीके से वहाँ के बुंदेलखंड के लिए 810 करोड़ कम है मनोज यादव? किस तरह से उसका प्लांट खोला गया? मनोज यादव फैक्ट्स पे बात करिए, कम है 810 करोड़? अरे तो भैया तिलक जी आप बता दो, आप मुझे बता दो, एक बात बता दो, पिछले बजट का कितना बड़ा बजट 4 लाख करोड़ से ऊपर का बजट था, इसके बाद 4.5 लाख करोड़ का MOU साइन किया सरकार ने, लगभग 9 लाख करोड़ से ऊपर का उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हुआ बजट के साथ। ठीक क्या है? हुआ उत्तर प्रदेश में? ठीक है, एक सेकंड तिवारी सर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, ओके ओके ओके, किस तरीके की नई व्यवस्था? ओके ओके ओके, चंद्रमोहन शर्मा जी, जी ये भी गाय की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, आप विरोध करते हैं कि ये सनातनी बजट क्यों है? देखिए तिलक जी, पहले तो मैं अभी अपने भाई की बातों का जवाब दे दूं कि ये बजट टोटली बिल्कुल देखा जाए तो इलेक्शन का बजट है, और इसके अंदर राजनीति के ऊपर धर्म को हैवी करा गया है। वो कारण क्या क्या कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धर्म की आड़ लेके किसी तरह से उसका बेनिफिट देने का काम करा गया। जहाँ तक आप बजट की बात करें, जहाँ पर तराई एरिया की बाढ़ की प्रॉब्लम थी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, फसल के ऊपर, किसानों का, शिक्षा का, जैसे पीछे भी बात करी गई है, उसके बाद सिंचाई व्यवस्था के ऊपर जो 55 करोड़ रुपए की जो बात करी गई है, सिंचाई व्यवस्था के अंदर जो यूपी के जितने भी सूबे हैं, जिले हैं जहां बाढ़ आ जाते हैं जिसकी रोकने का काम किया जाता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा इनके पास। उसके बाद एक मेजर बात आई कि 10 मेडिकल कॉलेज खोलने की इन्होंने बात बोली, 10 मेडिकल कॉलेज के लिए क्या फंड दे रहे हैं उन्हें, 100 करोड़ रुपया। ये मजाक करा है स्टूडेंट्स के साथ या एक उनको एक लोलुपता वाला वो दिया? 100 करोड़ में कहाँ से 10 मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, कौन से सिस्टम से खुल जाएंगे? तो ये टोटल फ्लॉप बजट है, और उस फ्लॉप बजट के सारे यूपी की तरह से सेंटर की नैया पार करने की तरफ आगे जा रहे हैं। अब आती है बात काशी मथुरा, सिर्फ काशी मथुरा की सब चीज़ें मुझे याद है, अल्पसंख्यक मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब जिस पार्टी का अध्यक्ष मालदा के अंदर खड़ा होकर कह दे कि इस देश के अंदर हिंदू, पारसी और ईसाई ये सुरक्षित है, मुस्लिम को जिक्र ही ना करे, तो वो एजेंडे में साफ दिखेगा ही। तो एजेंडे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरह से दिखा दिया कि हमारे को सिर्फ इस तरह के सिस्टम की जरूरत है, वो एजेंडा और जो हमारा बजट है वो ऐसे ही है। तो उसके ऊपर अगर कोई तर्क देना चाहते हैं तो देश की जनता इनको 2019 के अंदर उसका प्रॉपर्ली जवाब देगी। ठीक है अनु सिंह, आप जवाब दीजिए, तिवारी सर आपके पास आ रहा हूँ, फिर उसके बाद ऋषि जी आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिए अनु जी। हमारे भाई चंद्रमोहन जी ने कहा कि बाढ़ के लिए अलग से डिजास्टर का अलग से फंड क्रिएट किया गया, वो अलग होता है उसमें। नहीं, तो बताइए, या तो आप सुन लीजिए ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नया मेडिकल कॉलेज ओपन करने के लिए, ऑलरेडी जो वहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटीज है और बाकी जितने मेडिकल कॉलेज के लिए भारी, इसका मतलब आप जो अभी किंग जॉन की बात कर रहे हैं जो, अरे मेरे भाई सुनिएगा तो आप क्यों नहीं, आप क्यों, आपको क्या लग रहा है कि आप ही सबसे ज्यादा लिटरेट हैं? नहीं, फिर ये आप कोई अगर मनोज यादव बोले तो आप ऐसा कहेंगे, आप सुन क्यों नहीं पा रहे, आप सुनना क्यों नहीं चाहते, सबको प्रमाण पत्र आप सुनना क्यों नहीं चाहते, प्रमाण पत्र देंगे आप सुनना क्यों नहीं चाहते, आप भूल क्योंकि आप भी 65 साल तक 2 सीटों पर रहे हैं। नहीं, आप सुनना क्यों नहीं चाहते, डिबेट करिए ना, आप सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? उसी साथ रावण की जीजा जी, रावण जीजा जी के पास चला जाएगा, अरे उसमें भी हम आपका कुछ नहीं सर, एक सेकंड आप जवाब दीजिए, फिर तिवारी सर आपके पास आ रहा हूँ, ऋषि जी आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दीजिए सर। देखिए ये हमारे चंद्रमोहन जी बार बार गुमराह कर रहे हैं कि ये बजट में ऐसा नहीं हुआ, वो बजट ऐसा नहीं हुआ। बजट में 4 लाख करोड़ क्या योगी जी खुद खाने के लिए रख रहे हैं क्या? 5 लाख करोड़ का बजट है, वो जनता के लिए किया जा रहा है क्या? उसमें कौन सी ऐसी योजना है बता दीजिए जिसमें नहीं दिया गया है? ठीक,
उसमें आप कह रहे हैं बाढ़ में अलग से डिजास्टर के किया गया, बाढ़ के लिए के उसमें आता है, क्रॉप के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया, आयुष्मान भारत के लिए पैसा दिया गया, कन्या सुमंगला योजना के लिए किसमें पैसा नहीं दिया गया? आप क्या बात करते हैं? गांव गरीब किसान सबको टेक ओवर उसमें किया जा रहा है, किसको नहीं किया जा रहा है? आप गुमराह कर रहे हैं कि चुनावी बजट है ये है, अरे पूर्ण बजट है भैया, उसमें कौन से विधानसभा का चुनाव होने वाला है? बात उस तरह से कर रहा हूं जैसे एक चतुर बच्चा, एक स्टूडेंट जो होता है वो अपनी क्लास के अंदर कोई चीज करता है, पेपर लिखने के बाद कहता है मैंने बिल्कुल ठीक लिखा जी, मेरे को 10 में से 9 नंबर दो, और टीचर से लड़ता है, वही बात आप कर रहे हो, यानी क्वेश्चन भी आप, आंसर भी आपके, मार्क्स भी आपके, ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड, आपको भी नहीं करना, चंद्रमोहन शर्मा आपको भी नहीं करना, अनुज जी को भी नहीं करना, तय करना है तिवारी सर को, क्योंकि अर्थशास्त्र के नजरिए से वो समझाएंगे हमें। तिवारी सर आपसे जानना चाहेंगे हम, ये राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, आपका चश्मा अलग है सर, जरा समझाइए हमें इस बजट के पहलू को, और फिर ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं मैं। तिलक जी, यदि इस बजट के राजकोषीय या वित्तीय पक्ष को देखा जाए तो उसका एक पैमाना होता है राजकोषीय घाटा जीएसडीपी अनुपात इस बजट में 2.97% पर रखा गया है। यह वित्त आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्मित है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके मानकों के अनुरूप है। बजट की अपनी सीमाएं होती हैं जी, लेकिन ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बावजूद इसके कि लोकसभा के चुनाव हैं, वित्त मंत्री द्वारा पॉपुलिस्ट बजट नहीं लाया गया है, बल्कि आर्थिक मानकों पर सूबे की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में धनराशि को इस तरह आवंटित किया गया है कि इसको संतुलित बजट की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस तरह आर्थिक दृष्टि से और राजकोषीय दृष्टि से देखा जाए तो यह बजट संतुलित है, जिसमें सूबे के समग्र विकास की एक दृष्टि परिलक्षित होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आर्थिक विकास के जो सामाजिक पक्ष होते हैं और सामाजिक पक्ष से ऊपर सांस्कृतिक पक्ष होते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि यह इस दिशा में एक ब्रेक थ्रू लेता हुआ बजट है, जिसमें सांस्कृतिक विकास पर बल दिया गया है, और जहां तक सांस्कृतिक विकास का संबंध है, इससे भी रोजगार वर्धन होता है, आय वर्धन होता है। आरंभ में तिलक जी आपने एक शब्द का प्रयोग किया था कि क्या यह सनातनी बजट है, सनातनी शब्द को अगर हम हटाकर पोषणीय शब्द ले आए, सस्टेनेबल शब्द ले आए, समवाहिनीता जिसमें है जो पोषणीयता है, अर्थात इसमें फौरी तौर पर विकास या तरक्की की बहुत ऊंची उड़ान उड़ने की कोई ऐसी कल्पना नहीं की गई है, जमीनी हकीकत को देखकर बजट बनाया गया है। और उसका एक बड़ा प्रमाण यह है आर्थिक कि राजस्व खाते पर सरकार ने बचत की स्थिति को रखा है, जिसको राजस्व अधिशेष कहते हैं। ठीक है सर, भारत के अन्य विकसित राज्यों में और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के भी राजकोषीय घाटे के स्तर को देखें तो उसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है। सर मेरे को एक छोटा सा उदाहरण दीजिएगा ताकि मैं ऋषि जी के पास जाऊँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आपने राजकोषीय घाटों का जिक्र किया, राजकोषीय सेवाओं का जिक्र किया, मैं उसी पर आ रहा हूं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, इस हिसाब से राजस्व प्राप्ति का अनुमान है 77,640 करोड़ रुपए, ये निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, उसमें राजस्व प्राप्ति का अनुमान है 31,517 करोड़ 41 लाख रुपए। स्टंप ड्यूटी का जो है वो सर 19,000 करोड़ रुपए के आसपास है। वाहन कर जो है वो 7,000 करोड़ रुपए के आसपास है, ये अनुमानित है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से राजस्व घाटे का आपने जिक्र किया, जितनी चादर है हमारी हम उससे ज्यादा पैर पसार रहे? तिलक जी, अगर देखा जाए तो बजट के आकार में सिर्फ 12% की वृद्धि की गई है, 12% की इंक्रीज है,
2018-19 के बजट के सापेक्ष यदि मोटे तौर पर आर्थिक दृष्टि से लिया जाए, 7% जीडीपी की वृद्धि, जीएसडीपी की वृद्धि को ले लिया जाए और 5% महंगाई की औसत दर को ले लिया जाए, तो ये 12 पे ही बैठता है। इसलिए यह बजट एक कह सकते हैं वास्तविक धरातल पर टिका हुआ है। जहां तक जीएसटी की बात है, अध्ययनों से पता चला है कि आगामी वर्षों में जीएसटी से प्राप्त होने वाले कर राजस्व में बढ़ोतरी दो कारणों से होगी। कर की बोयंसी बढ़ेगी, टैक्स इलास्टिसिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ अगर ठीक है सर ग्रोथ रेट सर आता हूं आपके में वृद्धि होती है तो जो जिसको हम जीएसटी का आधार कहते हैं उसमें भी वृद्धि होगी। ठीक सर आपके हिसाब से ये बहुत बैलेंसिंग बजट है जो कि जो है इसको नंबर मिलने चाहिए। अमरनाथ यादव आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ इसी के बाद। ऋषि जी अब मैं आपसे समझना चाहूँगा, मैंने कहा सनातनी बजट है या चुनावी बजट है, अभी तिवारी जी ने कहा कि इसे सांस्कृतिक विकास के तौर पर देखिए, अब आपका चश्मा सर। देखिए नो डाउट जो राजेश अग्रवाल जी ने जो बजट पेश किया है पिछले बजट से 12% एक्स्ट्रा ज़्यादा है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो तिवारी जी के मैं बात से सहमत नहीं हूँ कि जीएसटी से जो है जीएसटी से ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू जो कलेक्शन होगा बढ़ेगा। आप जीएसटी का देख लीजिए, आप सेंट्रल का ही देख लीजिए, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो घाटे में जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद परेशान है कि जो उनको सबसे ज़्यादा कलेक्शन यहाँ से आता था वहाँ वो पिछड़ रहे हैं। तो जो भी जो लोक कल्याणकारी योजना है उसको लागू करने में काफ़ी दिक्कत होती है। जहाँ तक राजेश अग्रवाल जी ने, हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है, चाहे आप एयरपोर्ट का विकास का हो, आयुष्मान योजना का हो, स्वच्छ ग्रामीण का हो, स्मार्ट सिटी का हो, गंगा नहर योजना हो, मथुरा डेयरी हो, कन्या सुमंगल हो, वन सागर योजना हो, आंगनवाड़ी हो, किशोर बालिका योजना हो। लेकिन मेरा ये कहना है तिलक जी, क्या ये योजना धरातल पे सही ढंग से लागू होता है? इस पे हम लोगों को इस पे डिबेट करना चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना का आप देखिए कितना बड़ा अच्छी सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है आयुष्मान योजना। लेकिन क्या आयुष्मान योजना को ग्राउंड लेवल पे सही ढंग से लागू किया गया है? इसका एग्जांपल आप देखिएगा कि रांची में, झारखंड के रांची में माननीय प्रधानमंत्री इस योजना का लागू करते हैं आयुष्मान योजना को, और कल होके जो है आपको निम्स वहाँ के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो लंबे लंबे कतार लग जाती है और रसीद नहीं कटती है आयुष्मान योजना का, लोग वापस चले जाते हैं। इसका कारण ये है कि आपका जो मेडिकल सिस्टम का हेल्थ स्ट्रक्चर्स है इंडिया में, खासकर यूपी में भी आप ले लीजिए और ओवरऑल इंडिया का भी ले लीजिएगा, तो हेल्थ स्ट्रक्चर इतनी कमजोर है कि आप इतने अच्छे योजना को आप ग्राउंड लेवल पर नहीं लागू कर सकते हैं। आप देखिए नंबर ऑफ हॉस्पिटल कितने हैं, आपको यूपी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ हेल्पिंग स्टाफ कितने हैं यूपी में, और आपने इतनी बड़ी योजना को लागू कर दिया और उस योजना को लागू करने के लिए आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल कमजोर है, तो आपने बिल्कुल तैयारी तो की नहीं। आप योजना तो ले आए लेकिन बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर तैयारी नहीं की, तो ये योजना धरातल पे कैसे सक्सेस होगा जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही उस डिपार्टमेंट के नहीं होंगे? तो मेरा ये मानना है तिलक चावला जी, योजना आप बहुत अच्छे अच्छे लाते हैं लेकिन क्या हुआ ग्राउंड लेवल पे योजना को अमली जामला पहनाया जाता है कि नहीं पहनाया? आपका पॉइंट मैं ले लेता हूं और ब्रेक के उस पार इसी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार सवाल यही कि योजनाओं की बात तो हो रही है, बजट तो बहुत अच्छा है, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन धरातल पर ये योजनाएं अब उतरेंगी कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और पुरानी योजनाओं को क्या, एक छोटा सा ब्रेक जल्द हासिल हो रहा है। बजट 11 बजे पेश हुआ, पहले से कोई जो है हमेशा बजट 12:20 पे होता था, प्रश्नकाल होता था, लोग अपने सवाल पूछते थे, उसके बाद अपनी समस्याएं चलती रहती थी, बीच में बजट पेश हो जाता। आज बजट जो है जबरदस्ती 11 बजे बगैर परामर्शदात्री कहीं पर वो किए हुए अचानक सरकार ने फैसला कर दिया बिल्कुल मनमानी तौर से, ताकि विपक्ष अपनी आवाज न उठा सके।
तो विपक्ष अपने ही अंदाज से एक बार फिर से वार करता हुआ, जैसी उम्मीद थी, बजट को लेकर सियासी संग्राम इस वक्त छिड़ चुका है। पहले अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए और सीधे तौर पर कहा, ना विजन, ना विकास, ना सोच, ना नजरिया, और जैसी सोच वैसा बजट। अल्पसंख्यकों को लेकर भी अखिलेश यादव ने अपने ही हिसाब से सवाल भी उठाए हैं और उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ जो है लखनऊ से मनोज यादव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से एपी तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अर्थशास्त्र के नजरिए से हमें समझा रहे हैं कि ये बजट आखिरकार है कैसा। नोएडा से हमारे साथ अनुज सिंह जुड़े हुए, बीजेपी की ओर से चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस की ओर से ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब मेरी सवाल यही जो ऋषि जी ने ब्रेक से पहले उठाया, सर आपने इस बजट में, मैंने देखा अनुरोध जी, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो पुरानी वाली स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? नहीं, उसमें है क्या कि जो स्मार्ट सिटी योजना होती है उसमें 70% केंद्र सरकार देती, 30% राज्य सरकारें देती है। स्मार्ट सिटीज के अंदर चार पांच प्रोजेक्ट चलते हैं, कोर कमांड सेंटर अलग बनता है, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, कई उसमें चलते रहते हैं। तो राज्य सरकारें टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करती रहती हैं। अभी जैसे इलाहाबाद का कोर कमांड सेंटर बना, अलीगढ़ का बनने वाला है, लखनऊ का बना, बनारस का बन चुका है, लेकिन कोर कमांड सेंटर वो आईटी का प्रोजेक्ट्स होता है, साथ में कुछ उनके वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, पार्किंग के होते हैं, तो जो 30% का हिस्सा होता उसमें ये आता। मनोज यादव, स्मार्ट सिटी बन गई लखनऊ, मूर्तियों का मत गिनिएगा अभी। पता नहीं कौन सी स्मार्ट सिटी बनी है उत्तर प्रदेश में और किस तरह की बनी, ये तो मेरे ख्याल से इस मौजूदा सरकार को बताना चाहिए। लेकिन मैं एक बड़ी बात आपको बता दे रहा हूं, लखनऊ के अंदर गोमती नगर का जो एरिया है वो सबसे, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो पूरे लखनऊ का सबसे पॉश एरिया है। आज की डेट में आप अपना कैमरामैन भेज दीजिए, पूरे गोमती नगर में सिर्फ और सिर्फ गड्ढे हैं या तो पैच है। जिस सरकार के पास गोमती नगर जैसे एरिया में रोड बनाने के लिए पैसा ना हो, उस सरकार की बातें सिर्फ खोखली लगती हैं। जैसे इनकी शायरी है कि बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचने वाला है, वैसे ये सिर्फ बुलंदी पे है, जमीन पे नहीं है। अगर होते तो निश्चित तौर पे वहां पे काम होता, और काम होता तो जनता कहती, मैं भी कहता कि सरकार ने काम किया है। क्या हम विरोध कर रहे हैं आपका? मैं तो लगातार उठा रहा हूं 2 साल से कि आपने अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में लिखा है कि साहब हम इतने मेडिकल कॉलेज बनाएंगे 25। मैं चिल्लाते चिल्लाते आज भी चिल्ला रहा हूं, कहीं बनने की स्थिति नहीं है। 2.5 साल बीता है, 60% अपनी सरकार ये बजट प्रस्तुत कर चुकी है, 40% शेष बचा है। जब 60% में अभी 25 में से आधे भी मेडिकल कॉलेज बनने की स्थिति में नहीं है, तो आप कल्पना करके देखिए कि क्या बन रहा होगा उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा होगा। हाँ, योगी सरकार अपने एजेंडे के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे हैं, उनको जो उनको आता है वो काम कर रहे हैं, उस पर भी हमारा विरोध नहीं है। जो आता है वही तो इंसान करेगा, उसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकता है। हमारे आर्थिक विश्लेषक ने एक बात कही, उसका मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। अगर 12% की बढ़ोतरी के साथ ये धरातल का बजट है, तो पिछले साल का बजट जो 3.5 लाख करोड़ के अंदर का उससे पूर्व का बजट था, और ये सरकार ने लगभग 4.5 लाख करोड़ कर दिया था, तो क्या वो वाला हवा हवाई बजट था क्या? इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो ये सरकार को जिस तरफ से आप छेद में उंगली करके देखना कोशिश करोगे, वहां सिर्फ छेद है और लीकेज सरकार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। धरातल पे अगर कुछ होता तो निश्चित तौर पे जनता यहाँ की इनको समर्थन देती, मुझे भी मजबूर होना पड़ता। अगर आप मेरी एक्सप्रेसवे की तारीफ करते थे कि हाँ एक्सप्रेसवे बना है, तो मैं भी कहता हाँ साहब, बीजेपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आधा से ज्यादा काम करा दिया। मैं कहता लखनऊ के मेट्रो का जो भी काम जितना पूर्व का निर्धारित है उसके अलावा मुझे ये बताइए कि भैया आपने कितने एम्स खोले थे? एम्स को रायबरेली में जमीन किसने दी? एम्स को गोरखपुर में जमीन किसने दी? इस बात को क्या बुलवाया जाएगा क्या? हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमने क्या कोई अवरोध उत्पन्न किया क्या? कांग्रेस ने कहा हमको रायबरेली में चाहिए, हमने कहा आप वहां लीजिए, इन्होंने कहा गोरखपुर में चाहिए, हमने कहा ये लीजिए, क्या मना किया इनको?
किस तरीके से हमने इनको रोकने की कोशिश की, पूर्व की सरकार के जो काम पड़े थे उन कामों को भी मैंने करने में हमारी सरकार ने कभी पीछे नहीं रहा। कुल मिलाकर इन्होंने वृंदावन की बात की, अयोध्या की बात की, इन्होंने बात की मथुरा की, इन्होंने कब्रिस्तान का जिक्र नहीं किया। ये पीड़ा है आपकी, यही बात है ना? कुल मिलाकर हमें नहीं पीड़ा है, जो मर्जी वो करो, जो विपक्ष के तौर पे हमें आवाज उठानी वो उठाएंगे, ठीक है? जिनको जो आता वही तो करेंगे, तो सबका साथ। अनुप, आप जवाब दीजिए, हटा दो। ओके ओके, ऋषि जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। ऋषि चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास। ऋषि जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। ऋषि जी ने कहा कि जीएसटी को लेके जीएसटी का कलेक्शन बहुत कम हो रहा है। ऋषि जी तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, उनको वित्त मंत्री जी का भाषण याद होना चाहिए कि उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा कलेक्शन 1,00,000 करोड़ का हमारा कलेक्शन, उससे ज्यादा हमारा कलेक्शन हुआ। नहीं, सुनते जाइए ऋषि जी, सुन लीजिए ऋषि जी, आप कंपेयर करिए, आपके पास चांस मिलेगा, आप करिए कंपेयर। ठीक है, आप जाइए, दो आप तीन तीन लोग हैं जवाब देने के लिए। तीन तीन नहीं है, सब अलग-अलग हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है कि आयुष्मान योजना, इनकी भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार 56 सालों तक रही है। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई भी योजना जो जनहित के लिए हो लागू नहीं करनी चाहिए? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हम लागू ना करें? ठीक है, हमारे इनके विचार में विरोध हो सकता है कि कांग्रेस ने ये किया, हमने ये किया, इनका अच्छा था हमारा बुरा था, लेकिन क्या हम किसी योजना का, आयुष्मान भारत को, हम इसलिए लागू ना करें कि वहाँ पे, ठीक है अगर कहीं एक जगह मेडिकल कॉलेज नहीं, दूसरी जगह तो मेडिकल कॉलेज होगा, कम से कम हम उस चीज़ को, बुनियादी चीज़ों को लेके तो आए, कोई पैसे। एक मिनट, आपका सवाल यही था, आपका सवाल लागू करने से पहले आपने क्या तैयारी की? नहीं नहीं, सुन लीजिए, क्या आप, अरे एक मिनट सुनेंगे तो आप मेरी बात तो सुनेंगे, आप मेरी बात तो सुनेंगे। 10,00,000 से ज्यादा लोग फायदे में हुए हैं, डॉक्टर्स बढ़ाए, नहीं 10,00,000 से ज्यादा फायदे हुए हैं, आप मेरी बात तो सुनेंगे? आप सिर्फ आपकी बात में बैठ के सुनता रहा, आपकी बात में बैठ के सुनता रहा, आपका जब मैं जवाब देने आया तो आपको काउंटर लगता है? 70% स्टाफ अभी इनके, नहीं तो क्या आयुष्मान भारत खराब योजना, आयुष्मान भारत को लागू नहीं करना चाहिए? आयुष्मान योजना की बात नहीं है चावला जी, मैं एक मिनट। नहीं तो आपने उसी योजना का सवाल उठाया ना, आपने उसी योजना का सवाल उठाया, क्या वो योजना बेकार है? आप जितने भी एम्स खुले हैं दिल्ली, मैं कह रहा हूँ जितने भी एम्स खुले हैं, जो एम्स खुलने वाले हैं, पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। पटना का एम्स, नहीं कहीं का भी एम्स, चाहे पटना को, रांची का, गोरखपुर, रायबरेली का, रायपुर का, पांडुचेरी, कहीं का भी एम्स। अनु जी आपको करेक्ट कर दूं, एक सेकंड प्लीज सर, एक सेकंड। उन्होंने योजना का जिक्र नहीं किया, योजना की खामी का जिक्र नहीं किया, उस सिस्टम का जिक्र किया जो इस योजना को फेल बना सकती है। मैं आप सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ बाद में जवाब दे दीजिएगा आप आराम से जवाब, आपको क्यों बेचैनी हो रही है? अनुज जी मैं 30 सेकंड लूंगा फिर आप बोल लीजिएगा। मैं चावला जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने एम्स दिल्ली एम्स के अलावा जो एम्स बने हैं उनका आप यदि आप अवलोकन करेंगे तो वहाँ 50% आप इम्प्लॉय अभी तक नहीं रख पाए हैं, ना डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स वहाँ नहीं रख पाए। ये 4.5 साल में केवल हमारी गलती है? बिल्कुल 4.5 साल छोटा अवधि नहीं होता है, आप छोटा 4.5 साल। ठीक है, ओके, मैं उसी पे आ रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर का भी मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा, आपने पहले ये जिक्र किया था, मेडिकल कॉलेजों का जिक्र किया, एम्स का जिक्र मनोज यादव ने भी किया और ऋषि जी ने भी इसका जिक्र किया, और फिर उसके बाद तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। पहले चंद्रमोहन शर्मा जी आपके, मेरा सवाल, राज्य में चिन्हित जिलों के हिसाब से जो चिकित्सालय उनमें मेडिकल कॉलेजों में योजना के लिए 908 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था की गई है चिकित्सा के क्षेत्र में। मैं आगे पढ़ रहा हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लिए लखनऊ में जो है वो 907 करोड़ रुपए, बलरामपुर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित, संजय गांधी PGI लखनऊ के लिए 854 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान के लिए 396 करोड़ रुपए की व्यवस्था। सर ये आंकड़ा है, अब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए तिलक जी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब इलेक्शन में आए तो उन्होंने कुछ समय मांगा था और वो समय 5 साल का मांगा था कि मैं 5 साल में सारे कार्यक्रम बदल दूंगा। आज बीजेपी के प्रवक्ता जहां भी बैठते हैं वो कहते हैं 5 साल ही हुए हमारे को, अब ऐसे स्टेट पे आ जाओ तो स्टेट के अंदर वो कहते हैं हमारे को 3 साल हुए। अरे मैं तो आपके सारे छोड़ो बड़े बातों को छोड़ देता हूँ, मैं तो छोटे बातों पर आता हूँ। आप मुझे आवारा पशुओं का बता दो, आप मुझको किसानों का बता दो, और सबसे बड़ी बात है निर्भया कांड के लिए आपने एक महिला थाना आयोग बनाया था जो यूपी के अंदर था, उस पर आपने क्या किया? और एक आपने एक स्कॉड चलाई थी, शुरू में योगी जी बहुत भागे थे पार्कों के ऊपर लेके कि महिला सुरक्षा का सिस्टम बनाएंगे, उस पर आपने क्या? एक युवा मंडल था आपका, उस पर आपने क्या किया? जिन मुद्दों के साथ आपकी राजनीति में आप अपनी लोगों को, देश की जनता को भावनात्मक मुद्दे करके अपनी वोटों की तरफ खींचते हो और जाति को अंदर ना बांट के उस जाति के ऊपर धर्म और वेदना और संवेदना को हैवी करके वोट लेते हो आज की डेट के ऊपर इस बजट के अंदर और सेंटर के बजट के अंदर आपने कुछ नहीं दिया।
सिर्फ आपने अपने वोटों की राजनीति की राजनीति खेलनी चाहिए। यानी जो गाय के लिए बजट, जवाब नहीं देना चाहते, गाय के लिए बजट रखा आप उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल गाय का बजट जो दिया लेकिन उसके लिए आवारा पशुओं के लिए आपने क्या किया? ठीक है, जो मतलब जिसके जिसके लिए आज किसान परेशान हो रहा है, ऐसे किसान अगर सिंचाई कर रहा है उसको बिजली है, उसको डीजल है, उसको फ्री, उसका जो रेट है वो बड़ा पड़ा है। आप जीएसटी की बात करते हैं, सरकार में कितना बजट होता था मालूम है आपको? कितने टाइम सरकार में कितना बजट होता था मालूम है आपको? मुझे नहीं मालूम सर। किसकी किसकी सरकार? अखिलेश सरकार में। अखिलेश की सरकार का जवाब तो मनोज यादव जी दे देंगे हमारे से अच्छा। सर क्यों? मैं तो अपनी तरफ से डिफेंस करके दूंगा। सर डिफेंस करके आप दे दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ आवारा पशु तब कहाँ थे उत्तर प्रदेश में? एक सेकंड मनोज यादव, आवारा पशु कहाँ थे उत्तर प्रदेश में? एक सेकंड सर, जरा पूछ लूँ ना, अभी रायबरेली और अमेठी के विकास की चर्चा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। एक बजट मिला। ओके 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 ठीक है अनुद, आप जवाब दीजिए फिर तिवारी सर आपके पास। मनोज यादव प्लीज एक सेकंड सर, दिक्कत में नहीं रहते सर। सर आपने सारा विकास तो सफाई में झोंक दिया। तो बोल भी नहीं रहा हूं, सारा विकास तो सफाई में झोंक दिया मनोज यादव, सारा विकास तो सफाई में झोंक दिया। एक सेकंड सर, सफाई जैसा कोई एक गांव बना के दिखा सर। मैं आपसे कह तो रहा हूँ ना, अमेठी क्यों नहीं बना गांव? अमेठी अमेठी क्यों नहीं बना मॉडल? कन्नौज मनोज यादव मैनपुरी भी एक अंग सर, आपने कहा रायबरेली में मांगा हमने एम्स दे दिया, आपने एहसान किया क्या? दिस इज पार्ट ऑफ यूपी, पार्ट ऑफ एमपी। ओके मनोज यादव, कहीं तो बनना चाहिए। हो गया हो गया मनोज यादव भाई, मनोज यादव प्लीज में ही बना दो ना एम्स का। मनोज यादव, मनोज यादव एक अमेठी में भी खोल देते ना एम्स। 200 बच्चे इस साल भी मर गए हैं, सफाई में भी खोल देते एम्स। ठीक है एक सेकंड, अरे तो निश्चित तौर पे समय आएगा तो सफाई में भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों के लिए भी होगा। आपने बुंदेलखंड का जैसे विकास किया वैसे ही करेंगे सफाई का भी। ओके मैं समझ गया। ओके जवाब दीजिए अनुज। चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि युवा मंडल भारत सरकार का नेहरू का केंद्र है और मिनिस्टर और क्या कहते हैं राज्य सरकार का युवा मंत्रालय, दोनों अलग अलग हर प्रदेश हर गाँव के अंदर लगभग 52,000 ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर, क्षेत्र पंचायत है 1300 और जिला उसमें डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हर जगह पे केंद्र का अलग नेहरू का केंद्र का अलग युवा मंडल बनता है और युवा मंत्रालय का अलग युवा मंडल बनता है, बल्कि उनको यूथ क्लब कहा जाता है और किसी ने नाम नहीं बदला। अगर आप सोचेंगे कि नेहरू का केंद्र का नाम भी हम लोगों ने नहीं बदला नेहरू जी के नाम पे, एक मिनट सुनते जाए, युवा मंडल का नाम इन्होंने लिया, ठीक है युवा मंडल बना। अब आप कह रहे हैं गाय किसान के लिए, अरे भैया किसान के लिए क्रॉप इंश्योरेंस में इतना अच्छा खासा पैसा दिया गया, ग्रामीण गांव के विकास के लिए पैसा दिया, ग्राम विकास के लिए पैसा दिया, पंचायती राज के लिए पैसा दिया गया, गाय को जो हमारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए पैसा दिया गया। हम लोगों ने इलीगल स्लॉटर हाउस बंद किए, बाकी सरकारों में इलीगल स्लॉटर हाउस चलते रहते थे तो सारी चीजें की, तो आपको वो नजर नहीं है क्योंकि आप उस चश्मे से आपके जो स्कूलों के अंदर गांव, अरे मेरे भाई मेरी बात तो सुनोगे नहीं, मेरी बात तो सुनोगे, स्कूल से बाहर जा रहे हैं नहीं, मेरी बात तो सुनोगे, असर पड़ रहा है नहीं, मेरी बात शिक्षा के ऊपर जोर देते हैं और आप उसकी तरफ भाग जाते हैं। आप सुनना नहीं चाहते, जैसे जवाब देता हूं तैसे आप सुनना नहीं चाहते हैं, जैसे जवाब मैं तर्क में देता हूं। आप सर सवाल उठा रहे हैं ना, वो जवाब मेरा काम है जवाब देना ना, तर्क आप सुनिए। एक सेकंड तिवारी सर आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जल्दी जवाब खत्म करिए जी। ये कह रहे हैं युवाओं के लिए, युवाओं के लिए वहां पे क्या कहते हैं लघु उद्योग के लिए पैसा दिया गया, किस क्षेत्र में ऐसा है कि जिसमें पैसा नहीं, बेसिक एजुकेशन के लिए पैसा दिया गया, मेडिकल कॉलेज के लिए आपका स्क्रीन ऑलरेडी चला रहा, कितने मेडिकल कॉलेज के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए मेडिकल, इनफैक्ट सफाई तक के लिए पैसा दिया गया रिम्स जो खुला है। धरातल पे कितने पैसे गए ये धरातल पे? आज ही बजट पास हुआ क्या? आज ही धरातल पे जाएंगे ऋषि जी, आप के गांव पहुंचेंगे जी, 3 साल इसके पहले योजना नहीं चली? आप करी थी आपने, सत्ता हासिल करी थी। चंद्रमोहन भाई आप चश्मा उतार दीजिए, आप चश्मा विकास के चश्मे से देखिए चावला जी, चंद्रमोहन भाई आप विकास के चश्मे से देखिए, विकास आपको दिखेगा ना। जितने वीआईपी सांसद हैं, जितने वीआईपी सांसद हैं वो सांसद निधि भी खर्च करते हैं नहीं करते अपने क्षेत्र में, ये भी एक बड़ा अपने आप में सर्वे हो जाएगा। चावला जी आप ही के साथ गांव गोद में लिए थे चावला जी, बहुत अच्छी बात। चावला जी आपने भी लिए थे ना? चावला जी आप ही के साथ इसी चैनल पे हम लोगों ने डिस्कस किया था गोरखपुर हॉस्पिटल की क्या हाल हुई थी, याद होगा 50,000 आदि 30-40 साल का रिकॉर्ड देखेंगे उसके बाद हालात सुधरे, 50,000 बच्चे मरे। अब जाके देखिए गोरखपुर में बीजेपी को इतनी बड़ा मैंडेट दिया, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट दिया, आपने गोरखपुर के लिए क्या किया? आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही गोरखपुर और बनारस उनके नामों से? मैं दिक्कत हो रही आप जब मासूम बच्चे मरेंगे, नहीं नहीं आप कैटलाइज करके नहीं बात कर सकते कि इसमें ये हुआ। आप अभी की हालत देखिए ना, अभी जाके हालत देखिए, अभी जाके हालत देखिए तिवारी साहब, अभी 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 जाके देखिए। ओके 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 आप जाके अभी हालत देखिए ना, सवाल उठेगा सर, आप अभी हालत देखिए ना जाके। एक सेकंड सर, एक सेकंड तिवारी सर, अब मैं आपके हिसाब से समझना चाहूंगा इस पूरे बजट के अंदर, ठीक है अल्पसंख्यक वाला कॉलम मुझे नहीं दिखाई दिया, हो सकता होगा नहीं है
होगा और मेरे को अभी नहीं दिखाई दिया, मैं देख लेता हूँ। लेकिन तिवारी सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर ये बैलेंसिंग बजट है, ओके सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, आपके अकॉर्डिंग ये बैलेंसिंग बजट है तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि इसमें मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, कोई एक पॉइंट ऐसा? हेलो सर जी, दोबारा प्रश्न करें। सर मैंने कहा आपके हिसाब से ये बैलेंसिंग बजट है तो फिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा इस बजट के अंदर, जो आपको लगा कि सबसे बेहतर ये है, जो पहले नहीं हुआ? एक प्रमुख बात यह है कि अर्थव्यवस्था में जो इनपुट्स आउटपुट्स के संबंध होते हैं उनको पहचाना ही नहीं गया अर्थव्यवस्था में अभी तक, और यही बड़ी वजह रही है कि बावजूद इसके कि संसाधन हैं मानवीय वित्तीय दोनों, लेकिन सूबे की तरक्की जितनी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। इस बजट में विशुद्ध रूप में आर्थिक दृष्टि से जब मैं देखता हूं तो अदा प्रदा इनपुट आउटपुट्स, जैसे अगर गांव को ले लें तो गांव में खेती और गैर खेती, फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स के बीच के जो लिंकेज हैं, विकास के अंतर संबंधन हैं, उनको पहचाना गया है। जैसे एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कार्यक्रम है, ये केवल दृष्टांत है तिलक जी, कि जिस उत्कृष्ट गुणवत्ता का कालीन उत्तर प्रदेश पैदा करता है उस तरह का कालीन दुनिया का कोई विकसित देश भी नहीं तैयार कर पाता। इसलिए जो केंद्रीय एक तत्व है पूरे बजट में 250 करोड़ रुपए इस कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ यदि इसको कहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़कर देखा जाए तो एक बजट का बड़ा परिमाण, बड़ी मात्रा इस क्षेत्र को आवंटित की गई है। उम्मीद ये की जा सकती है, वो बात अपनी जगह है कि जो ग्राउंड रियलिटीज है, ये जो लाभ है योजनाओं का कैसे निचले स्तर पर रिसे, उसके लिए सुशासन की जरूरत होगी, सख्ती की जरूरत होगी, जवाबदेही और पारदर्शिता की जरूरत होगी। लेकिन बजट में इम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ का पोटेंशियल है। ओके, मैं अपने आप को सुधार कर रहा हूं मनोज यादव, आपके लिए खुशखबरी है सर, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मुझे मिल गया कॉलम, ढूंढ रहा था सुबह से, है छोटा सा लेकिन मिल गया सर, खुशखबरी आपके लिए, सुन लीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण के लिए, अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण के लिए 459 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। आप तो खुश है मनोज यादव? देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले इस बजट में एक बात कही थी और उसके बारे में भी आप मेरे ख्याल से हवा हवाई मेरी बात नहीं समझेंगे। पूर्व का बजट भी बहुत बड़ा था और पूर्व का जो MOU साइन किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बजट के समलर ही था। क्या हुआ, कितना काम हुआ उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश की सड़कों को बनाने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, और आप कौन सी आयुष्मान योजना की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, आपने कहा आप एक बार देख तो लीजिए किस तरह की स्थितियां हैं, आपके अध्यक्ष, आपके अध्यक्ष, आपके अध्यक्ष, सरकार फोकस्ड है दिल्ली पे, सुनिए सर, सरकार फोकस्ड है कुंभ पे, अखिलेश यादव फोकस है गोरखपुर के, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, अगर अगर अल्पसंख्यकों का जिक्र करें और कहें कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं है इस बजट में, उन्होंने जिक्र किया सर, किया ना सर, आप जैसे लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, है ना सर, यूपी में उनको सुनते हैं देखते हैं। अब बताइए सर, मैंने आपने भी शुरू किया तो आपने कहा अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं है, मैंने आपके सामने पढ़ दिया, क्या कंप्यूटर मिल गया आपने दिया, मोदी जी ने कहा था कि आपने मदरसों में कंप्यूटर लगाए, कंप्यूटर में मदरसों में, आपने मदरसों में कंप्यूटर लगाए, सकते हैं कि ऐसा कौन मदरसों में कंप्यूटर लगाए भारत में जिसमें एक हाथ में कंप्यूटर, मनोज यादव मदरसों में कंप्यूटर लगवाए, कुछ है मदरसों में कंप्यूटर लगवाए, अरे आप बजट में लिख भी दे रहे हो तो कम कुछ करो, आप देखिए आप कह रहे हैं बजट में लिख दिया, अब आपके अध्यक्ष जी बोल रहे हैं मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, कोई मतलब नहीं, मनोज यादव मैंने पढ़ के सुना दिया, बजट दो छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना है सर, ये हुई, मैं कह रहा हूँ गंगा साफ हुई, क्या गंगा जी साफ हो गई,
20,000 करोड़ का बजट था साहब, क्या गंगा जी साफ हो गई क्या? आप बता दो उत्तराखंड से लेके पश्चिम बंगाल तक कोई तो जगह बता दो। एक कॉलम करके पढ़ के मैं उसी का पढ़ के बता रहा हूँ आपको। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आपके अध्यक्ष जी ने बोला, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब आप बात घुमा रहे हैं। तो निश्चित आपकी काबिलियत का कायल हूँ कि आप मुद्दे को घुमा सकते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं भटका पाएंगे मनोज यादव। आप बताओ ना मुझे। अरे नहीं सर, ऐसा मत कहिए। हम आपको कैसे, हम तो बीजेपी से लड़ने के लिए हैं। आपकी शानदार पत्रकारिता, शानदार तरीके से डिबेट कराने का जो तरीका है, वो किसी को कुछ नहीं कहने का सवाल उठता है। मनोज यादव, लेकिन बीजेपी पे तो मेरे सवाल रहेंगे। ये झूठ बोलते हैं सर। गड्ढा मुक्त करना, आपके अध्यक्ष जी ने बोला अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं है। मैंने आपके सामने पढ़ के दिखाया सर, अल्पसंख्यक कल्याण के नाम से जो कुछ है मैंने आपके सामने पढ़ के दिखाया। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण के लिए 400 करोड़, आपने मदरसों में कितने कंप्यूटर लगाए आप बताइए। दिखाने वाले वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और खाने वाले ठीक है ऋषि जी छोटे होते हैं। ओके ठीक है, ठीक है, फिर चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आऊंगा। आप ये पूरा जो बजट है, अगर वाकई में आप कह रहे हैं कि सुनहरा बजट है, तो विपक्ष को एतराज क्यों है? देखिए विपक्ष का तो काम है, अब कैसा भी बजट यदि यही सपा रहती और यही बजट सेम बजट सपा सरकार बुला लेके आती तो बीजेपी आलोचना करती है। तो अपोजिशन का काम ही है उसमें खामियां निकालना। बजट नो डाउट जो है सभी वर्गों को को इसमें एड्रेस किया गया है, चाहे वह हेल्थ का सेक्टर हो, इसमें आयुष्मान योजना ले लीजिए, चाहे एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो या मेट्रो का हो। जैसे मेट्रो आप देख रहे हैं कि आगरा लखनऊ क्या कहते हैं, फिर उसके बाद कानपुर और बनारस में भी मेट्रो लेके आ रहे हैं। और इसमें एक और अच्छा चीज़ मैं देख रहा हूँ कि गांवों को शहर से जोड़ने के लिए 14,561 गांवों को टारगेट किया गया है। नहीं, जैसे और किसानों को भी खुश करने के लिए 6,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई है हर वर्ग को। लेकिन मुझे 2-3 वर्ग इसमें नहीं दिख रहे हैं। एक जो है युवाओं के रोजगार कैसे क्रिएट होगा वो नहीं दिख रहा है। दूसरा एक एडुकेशन, शिक्षा, एडुकेशन पे वो केंद्र में भी गायब था। जी वो केंद्र के बजट में भी गायब था। जी एडुकेशन पे ये कैसे एडुकेशन के स्ट्रक्चर को, जैसे मैंने पहले टेक में उठाया था कि 4,00,000 पद जो शिक्षकों का खाली है उसको कैसे मैनेज करेंगे, और ये जैसे नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है उसको कैसे बढ़ाएंगे, हेल्थ का जो प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं। इंपॉर्टेंट इशू था इसमें जिसका जिक्र यहाँ पर अखिलेश यादव ने किया, मैंने उस पॉइंट को लिया। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है आप गंगा एक्सप्रेस वे का जिक्र करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुंभ को लेकर जो बात आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार से अनुदान क्यों नहीं हुआ? अनु सिंह, ये एक वैलिड पॉइंट था। क्या केंद्र सरकार ने अनुदान क्यों नहीं दिया, अनुदान क्यों नहीं दिया कुंभ में? कुंभ के लिए देखिए क्या है कि जो केंद्र सरकार पहले से अनुदान देती रही वो उसने उतना दिया है, ठीक है। एक तो क्योंकि जो सांस्कृतिक महोत्सव होता, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, लेकिन कम से कम अखिलेश जी को सफाई में जो खर्चा करते थे पैसा, वहाँ पे कहना नहीं चाहिए वो जो क्या करते थे। सरकार जाने के बाद वो तो बंद हो गया, वो तो अब नहीं कर रहे वहाँ पे, तो कुंभ में आ गया ना सफाई पे फिर। सफाई पाकिस्तान में है क्या मनोज यादव? सफाई कमजोर कड़ी है क्या? नहीं, सफाई पाकिस्तान में है क्या मनोज? सफाई जो है कमजोर कड़ी है क्या? मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की क्यों चलेगी बुलेट ट्रेन? आप बोलिए बोलिए। मैं, मेरा सवाल है गुजरात में ही क्यों चलेगी? एक सेकंड मनोज यादव, ओके 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 ओके, जवाब दीजिए सर। जो वैलिड पॉइंट था केंद्र सरकार ने कुंभ के लिए अनुदान, कुंभ के लिए जितना अनुदान, और उसके बाद में ये क्या कहते हैं, कई एजेंसियों का रिपोर्ट है, उसमें 1 से 1.5 लाख करोड़ का उसमें जॉब क्रिएट हुई है, ठीक है। और सरकार ने जितना अनुदान देना था उतना, देखो कि सांस्कृतिक महोत्सव है, उन्होंने अपना क्रिएटिव किया, उसके थ्रू उन्होंने अपना, ठीक है। आप चंद्रमोहन शर्मा, फाइनल कमेंट मैं आपका ले रहा हूँ, कौन सी ऐसी बात इस बजट में आपको नागवार गुजरी? देखिए सबसे बड़ी नागवार रखने वाली बात यह है कि नौकरियों की कमी नहीं, समस्या है नौकरी के आंकड़ों को उपलब्ध करने की। नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में कहा था, उसके बाद नौकरियां संख्या की अध्यक्ष की और एक सदस्य का जो इस्तीफा हुआ, दो लोगों का, उसके बाद जीएसटी की आंकड़े चाहिए आपको? जीएसटी छोटी सी बात कह दूंगा फिर आप मेरे से पूछ लेना। जीएसटी की मार सबसे ज्यादा यूपी में पड़ी, क्योंकि यूपी का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी और बुनकर विभाग था उसी के ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ी। और इस बजट में पीछे जीएसटी काउंसिल में समर्थन क्यों करते हैं आप? कहीं पर जीएसटी काउंसिल का जो समर्थन है उसका यू टर्न तो बीजेपी ने लिया,
जो 24% से लाते लाते इसको इतना नीचे लेके आए बाद में, अगर यही सबको साथ लेके जीएसटी को ले आते तो इतने मिनिस्टर होते हैं जो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने से मना करते हैं, आप ही के मिनिस्टर होते हैं, आप ही के मिनिस्टर होते हैं, उसमें एनडीए के मिनिस्टर नहीं, आप के मिनिस्टर होते हैं जो पेट्रोल और डीजल एसेंशियल कमोडिटी है उसको आप जीएसटी में नहीं लाने देते हैं, आप विरोध पत्र रिटर्न में विरोध करते हैं, क्यों दिक्कत, काशी मथुरा क्या दिक्कत है, काशी मथुरा क्या दिक्कत है, लेकिन आप कहिए ना काशी मथुरा आपको भी चाहिए, क्या दिक्कत है, आप बोलिए साथ में साथ लेके नहीं चाहिए, नहीं सबका साथ, मदरसा के लिए स्मार्ट क्लास दिया कि नहीं दिया, और आप लोग गुस्सा नहीं, अनुरोध सिंह गुस्सा नहीं, चंद्रमोहन शर्मा गुस्सा नहीं, सबको मैं बोल रहा था, ओके हो गया हो गया, एक सेकंड आप व्हाट्सएप पे चल रहा है सर, इतना शानदार बजट है लेकिन एनकाउंटर के लिए बजट कहां है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, तिवारी सर आपके पास आना चाह रहा था लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने वक्त दिया, फिलहाल इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।